नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 14 में भाग 6 तक पढ़ लिया था। भाग 6 में आपने पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पढ़ा। अब आज हम भाग 7 में उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि है पारिस्थितिक अनुक्रमण, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिक अनुक्रमण। आपके बोर्ड के लिहाज से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले आप ये जानें कि पारिस्थितिक अनुक्रमण होता क्या है। इसका अर्थ होता है कि कोई एक जगह कभी रही होगी तालाब में, वो कुछ समय के पश्चात जंगल में परिवर्तित हो गया। तो अनुक्रमण का मतलब यही होता है कि एक स्थान का किसी दूसरे स्थान में परिवर्तित हो जाना अनुक्रमण कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। जैसे कोई एक स्थान जहां पर कभी कोई जीव नहीं रहा, जहां पर कोई पौधा नहीं था, कहां जहां पर कोई एक जंतु नहीं पाया जा रहा था, एकदम साफ सुथरा चट्टानी एरिया जहां पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, कुछ भी नहीं है, और समय के साथ साथ उस जगह में बदलाव आता है, वो जगह धीरे 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 परिवर्तित होता है। कभी वहां पर कुछ भी नहीं था, चट्टान ही सिर्फ थे, धीरे धीरे वहां पर घास वगैरह उगते हैं, धीरे धीरे और बड़े पौधे उगते हैं, और देखते ही देखते एक लंबे समय बाद, कई सौ साल भी लगते हैं अनुक्रमण होने में, एक लंबे वर्ष बाद वह स्थान जो कभी नग्न चट्टानों से घिरा हुआ करता था वो जंगल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को कहते हैं अनुक्रमण, पारिस्थितिक अनुक्रमण। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। जब बाढ़ आया था उत्तराखंड में केदारनाथ घाटी में, बाढ़ ने तबाही ऐसी मचाई कि वहां कुछ भी नहीं बचा, सब नष्ट हो गया। तो एक समय ऐसा आया कि बाढ़ की वजह से वह स्थान पूरी तरीके से नष्ट, कोई जीव कोई जंतु नहीं, कोई पौधा नहीं, और अब जाके देख लीजिए फिर केदारनाथ घाटी वैसे ही हो गई हरी भरी। तो यह भी एक प्रकार का अनुक्रमण ही है कि किसी स्थान पर किन्हीं कारणोंवश, चाहे वो प्राकृतिक कारण चाहे वो अन्य कारणों की वजह से, उस स्थान पर ना तो जीव रहे हों ना तो कोई पौधा रहा हो, और वह परिवर्तित हो जाए ऐसे स्थान में जहाँ पर हर प्रकार के पौधे जीव पाए जाते हों, उसे हम पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। यानी अनुक्रमण का मतलब होता है एक स्थान विशेष का किसी अन्य स्थान विशेष में परिवर्तित हो जाना। जैसे आपके आसपास अगर आपने देखा होगा कि तालाब अगर पाया जा रहा है, तो वो तालाब आपने, आप छोटे रहे होंगे तो वो तालाब रहा होगा, आप जैसे जैसे बड़े होंगे तो आपने, आपको याद होगा कि वो कभी तालाब हुआ करता था, अब वहाँ पर क्रिकेट खेलने के ग्राउंड बन गया है। क्यों? क्योंकि जगह में परिवर्तन होता है, और जो पारिस्थितिकी उस जगह की होती है वो समय के साथ परिवर्तित होती है, और परिवर्तित होकर एक चरम समुदाय में स्थापित हो जाती है। एक चरम समुदाय होता है जिसके बाद उसका परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे ही स्थिर हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि कभी नग्न चट्टानी एरिया हुआ करता था जहाँ पर कोई भी जीव नहीं थे, कोई पौधा नहीं था, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है और घास वगैरह उगते हैं, थोड़े बड़े पौधे उगते हैं और बड़े वृक्ष उगते हैं, और वह जगह जंगल में परिवर्तित हो जाता है। तो जंगल जो इसका वो परिवर्तन है, जंगल में परिवर्तन होना है ना, जंगल का बनना ही उस स्थान में स्थिर हो जाता है, यानी जंगल के बाद अब कुछ नहीं आएगा। तो जंगल वो क्या कहलाता है? चरम समुदाय, जिसमें सारे वो जीव पाए जाते हैं। क्लियर है बात है? तो देखिए पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है, समय के साथ किसी पारिस्थितिक समुदाय के प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। समय के साथ किसी पारिस्थितिक समुदाय का, जैसे मैंने बताया ना कि एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र था, उसमें अपने समुदाय थे, मेंढक मछली ये सारी पौधे वगैरह थे, धीरे धीरे वे सभी समय के साथ साथ जल के सूखने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और वह स्थान जो तालाब हुआ करता था किसी अन्य पौधों द्वारा स्थापित हो जाता है, वहाँ पर तालाब का नामो निशान मिट जाता है, पौधे आकर वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं। तो किसी पारिस्थितिक समुदाय के प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। इस प्रक्रिया में कुछ दशक से लेकर, यानी कुछ सालों से लेकर
लाखों वर्षों का समय लग सकता है। यानी पारिस्थितिक अनुक्रमण एक छोटी प्रक्रिया नहीं है। मैं भी अपना एक एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ अभी तालाब का, कि मैंने भी देखा है वो चीज़ें। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर के पीछे एक तालाब हुआ करता था बड़ा सा, और आज के समय वहाँ पे घर है, और वो तालाब मैंने देखा है कि वो खुद ही से सूखा था, घर बनाने वाले नहीं सुखाए थे, वो धीरे धीरे खुद ही परिवर्तित हो गया। जब जल की कमी होती जाएगी तो वो सूख कर बदल जाता है स्थल में, तो उसमें कई समय लगते हैं, काफ़ी समय लगता है अनुक्रमण होने में। यह कार्य शुरू में उस समुदाय में अपेक्षाकृत कुछ अग्रणी पौधों, यानी उस समुदाय में कुछ अग्रणी पौधों यानी सबसे पहले आने वाले पौधों और जंतुओं से शुरू होता है, और धीरे धीरे विविधता और जटिलता बढ़ती जाती है, जो तब तक जारी रहती है जब तक कि चरम अवस्था स्थापित ना हो जाए। यानी एक एग्जाम्पल कि कभी एक स्थान जहाँ पर सिर्फ चट्टान पाए जाते थे, धीरे धीरे उनमें अग्रणी पौधे, पहले लाइकेन आता है, फिर छोटे मांस वगैरह, फर्न वगैरह आते हैं, घास वगैरह आते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर बड़े वृक्ष आते हैं और वह जंगल में परिवर्तित हो जाता है। तो अग्रणी पौधों और जंतुओं के द्वारा शुरू होती है अनुक्रमण की प्रक्रिया, और तब तक जारी रहती है, अलग अलग जीव आते रहते हैं, तब तक जारी रहती है जब तक वहाँ पर चरम अवस्था ना आ जाए। यानी एक ऐसे समुदाय गठित हो जाएं जिनको अब नहीं हटना है। जैसे जंगल में क्या बड़े बड़े वृक्ष आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे शाकाहारी मांसाहारी, अब उनके बाद और कोई नहीं आता, तो वो क्या कहलाती है, चरम समुदाय। ठीक, सभी समुदायों का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन संरचना में निरंतर परिवर्तित होते रहना है। यह परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होता है। जैसे जैसे भौतिक पर्यावरण बदलता है, उनका स्वरूप भी बदलता जाता है उस समुदाय का। अंततः यह परिवर्तन एक समुदाय को गठित करता है। समुदाय को गठित करना मतलब भिन्न भिन्न जाति के जीवों का एक समुदाय बन जाता है, जो कि पर्यावरण से संतुलन के नजदीक है, और इसे चरम समुदाय कहते हैं। ठीक, जो बदलते परिवर्तन में अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते, वो स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे बहुत सारे पौधे, अभी आपको बताया जाएगा कि किसी भी पारिस्थितिक अनुक्रमण में एक कर्मकी समुदाय होते हैं, सीरल कम्युनिटीज होते हैं, जो स्थिर नहीं रह पाते। उनमें वातावरणीय दशाओं के परिवर्तन के साथ वे विलुप्त होते जाते हैं, उनके स्थान पर अन्य पौधे आते हैं, फिर वहाँ के वातावरण में बदलाव आता है तो वो पौधे नहीं स्थिर रह पाते हैं, वो भी हट जाते हैं, और तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक एक स्थिर स्थायित्व समुदाय ना आ जाए। जैसे बड़े बड़े वृक्ष और उस पर्यावरण में रहने वाले वृक्ष का समुदाय गठित हो जाता है, तब वह चरम समुदाय कहलाता है, कि इनके बाद अब कोई नहीं आने वाले, अब यही पूरा राज करेंगे उस जगह पर। अनुक्रमण के दौरान किसी क्षेत्र में स्थायित्व क्षेत्र वाले प्रथम समुदाय को, यानी सबसे पहले किसी नग्न आवास में आने वाले जीवों को नवीन समुदाय, पायोनियर स्पीसीज कहते हैं, या अग्रगामी समुदाय कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है नीट में, कि अग्रगामी समुदाय या नवीन समुदाय कौन होते हैं, पायोनियर कम्युनिटीज़ कौन से होते हैं। तो वो जो किसी नग्न क्षेत्र में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, अब पायोनियर स्पीसीज में आपसे पूछा जाएगा एक नग्न चट्टान में कौन होता है। नग्न चट्टानी क्षेत्र में अग्रगामी समुदाय बताइए, पायोनियर स्पीसीज बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका नीट में कई बार पूछा गया है। तो वो होते हैं लाइकेन। सबसे पहले एक ऐसा स्थान जहां पर सिर्फ चट्टान ही चट्टान है, वहां पर सबसे पहला आने वाला समुदाय लाइकेन होता है। कोई जलाशय वाला क्षेत्र है, जैसे तालाब, झील, ये सब जलाशय क्षेत्र में आने वाला सबसे प्राथमिक या अग्रगामी समुदाय कौन होता है, पादप प्लवक। पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंकटॉन्स, ये क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। तो इनको पहले आप याद रखेंगे कि किसी भी नग्न चट्टानी क्षेत्र में अग्रगामी समुदाय यानी सबसे पहले उस स्थान पर आने वाला जीव जो होता है वो लाइकेन होता है।
अनुक्रमण उसी स्थान से शुरू होता है जहां पर कोई जीव ना पाया जा रहा हो। जैसे मैंने क्या बताया, एक नग्न चट्टानी क्षेत्र है, कुछ भी नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई सूक्ष्म पौधा भी नहीं है, शैवाल भी नहीं है, तो वहां से जो शुरू होती है उसकी अवस्था, तो वहां पर सबसे पहले जो जीव आता है वो लाइकेन होता है। लाइकेन उन पत्थरों पर आते हैं, उगते हैं, उन पत्थरों पर बहुत सारे अम्ल जैसे कार्बोनिक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल, ये सभी रिलीज करते हैं, जिससे वो पत्थर टूटता है। पत्थरों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है, इसके बारे में आपको बताए थे। तो मृदा के बनने के बाद ही अन्य पौधे आते हैं, क्योंकि पौधे तो सिर्फ मृदा में ही ग्रो करेंगे, वृद्धि करेंगे। अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती हैं और इनकी जनसंख्या अनगिनत हो जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों की जनसंख्या घटती जाती है, जहां तक कि अदृश्य हो जाती है। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है उसे कर्मक कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, कर्मक क्या होता है, या कर्म की समुदाय क्या होते हैं, सीरल कम्युनिटीज क्या होते हैं, इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए, तीन ही चीज़ों को यहाँ पर समझना है किसी भी अनुक्रमण में। अग्रगामी समुदाय क्या होता है, तो जिस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में जो सबसे पहले जीव आता है, जैसे क्या बताएं, चट्टानी क्षेत्र में सबसे पहले कौन आता है, लाइकेन। जलाशय क्षेत्र में सबसे पहले कौन आता है, पादप प्लवक। दूसरा होता है क्रम की समुदाय, यानी सीरल कम्युनिटीज, तो ये इनके बाद आते हैं, आते हैं और चले भी जाते हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं। क्रम की समुदाय कभी भी किसी भी पारिस्थितिक अनुक्रमण में स्थिर नहीं रहते, आएंगे, वृद्धि करेंगे, जब तक उनके दशाएं, उनका जो पर्यावरण, वातावरण है उनके अनुकूल है, तब तक वो वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और जब वो उस आवास में रहने योग्य नहीं रह पाते, वे नष्ट हो जाते हैं। इनके नष्ट होने, इनके मृत होने से उस जगह पर मृदा का निर्माण और अधिक हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, तो वो दशा अन्य पौधों के वृद्धि के लिए अनुकूल हो जाता है, तो उनकी जगह पर कोई अन्य पौधा आएगा, अन्य पौधा उस पर उगेगा, उस जगह पर वो अपनी संख्या बढ़ाएगा, उनकी संख्या बढ़ने से उस वातावरण में, उस मृदा में, उस जलवायु में परिवर्तन आता है, जिससे वो भी उस क्षेत्र में रहने योग्य नहीं रह पाते, धीरे धीरे वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, उनके समाप्त होने के बाद कोई और पौधे आएंगे, और ये क्रमिक समुदाय आते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और वो समुदाय जो आखिरी में वहां पर स्थिर रह जाता है, स्थिर रह जाता है कि चाहे कितना भी पर्यावरण बदलाव हो वो नष्ट नहीं होंगे, तो उसे कहते हैं तीसरा, चरम समुदाय। चरम समुदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और चरम समुदाय उस अनुक्रमण में स्थिर हो जाते हैं, इनके बाद कोई नहीं आएगा, जंगल परिवर्तित हो। देखिए, चाहे जल हो चाहे स्थल हो, जलीय क्षेत्र हो चाहे स्थलीय क्षेत्र हो, ये सभी जब इन जगहों पर अनुक्रमण होता है तो वे जंगल में ही परिवर्तित होते हैं। यानी जल कर्मक, जिसे हम कहते हैं कि जलीय क्षेत्र में होने वाला अनुक्रमण जल कर्मक कहलाता है, यह शुरू होता है हाइड्रिक कंडीशन से, यानी जलीय प्रदेश से, और खत्म कहाँ होता है, समोदिक में, यानी मेजिक कंडीशन में, ना तो ज्यादा जल ना तो ज्यादा जल की कमी, मध्यम सामान्य पर्यावरण होता है। तो यानी जो जलाशय होता है वो भी वन में ही परिवर्तित होता है। दूसरा, कोई नग्न चट्टानी क्षेत्र है जिसे हम मरुकर्मक कहते हैं, जहां पर जल की बहुत कमी है, वहां पर भी अनुक्रमण की शुरुआत होती है और अंततः वन में ही परिवर्तित होती है। यानी यहां पर मरुकर्मक भी समोदिक यानी मेजिक कंडीशन में परिवर्तित होती है। तो उम्मीद है कि आपको कर्म की समुदाय पता चल गया कि ये किसी आवास में आते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाते हैं, इनके बाद कोई और आता है, इनके बाद कोई और आता है, उनके बाद कोई और आता है, अब वो समुदाय, जिसके बाद कोई ना पाए, जो स्थिर हो गया उस स्थान पर, जो कभी नष्ट नहीं होगा, वही चरम समुदाय कहलाता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। अनुक्रम की, क्रम की चरणों यानी सक्सेसिव सीरियल कम्युनिटीज में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीव प्रजातियों की जनसंख्या वृद्धि के साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन होते हैं। अनुक्रमण के प्रकार देखिए, अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अनुक्रमण कितने प्रकार के होते हैं याद करिए, अनुक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, दो, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक अनुक्रमक क्या कहलाता है, जब किसी स्थान पर
कभी भी कोई जीव ना रहा हो, यानी किसी स्थान पर जीव का कभी अस्तित्व रहा ही ना हो, तो वहां पर अगर परिवर्तन होता है और वहां पर पौधे जंतु आते हैं, अनुक्रमण होता है, तो वो कहलाता है प्राथमिक अनुक्रमण। जैसे नग्न चट्टानीय क्षेत्र में कहीं पर भी कोई जीव नहीं दिखाई देगा, और धीरे धीरे वहां पर लाखों सालों वर्ष बाद वहां पर जंगल परिवर्तित हो जाता है, वो स्थान जंगल में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार का अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण क्या कहलाता है? द्वितीयक अनुक्रमण जहां पहले से कोई जीव रहते थे, किन्हीं कारणों की वजह से वे सारे जीव नष्ट हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि अब वहां पर कोई आएगा नहीं, आएंगे, फिर से समुदाय बनेंगे, फिर से लोग वहां रहेंगे, पौधे उगेंगे, तो इस प्रकार का अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। जैसे मैं केदारनाथ की बात कर रहा हूं, केदारनाथ में बाढ़ आया था, वहां का सारा जीव नष्ट हो गया था, सारे पौधे नष्ट, सारे जीव नष्ट, सारे जंतु नष्ट, तो अब वहां पर फिर से धीरे धीरे लोग बसे, पेड़ पौधे उगे, तो इसे कहते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक और द्वितीयक में यही अंतर है कि प्राथमिक में कोई जीव पहले से नहीं थे, लेकिन द्वितीयक में पहले जीव रहते थे, महामारी के कारण वहां के सारे जीव मर गए, या बाढ़ के कारण सारे जीव मर गए, या भूकंप आने से वहां के जीव सारे मर गए, तब फिर वहां से धीरे धीरे नए लोग आकर बसते हैं, तब उसे हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। लेकिन प्राथमिक अनुक्रमण में पहले से कोई भी जीव उपस्थित नहीं था, तो प्राथमिक अनुक्रमण में बहुत समय लगता है इनके अपेक्षा, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण में कभी कोई जीव था ही नहीं, तो वहां पर मृदा का निर्माण होने में, छोटे छोटे पौधे आने, फिर बड़े पौधे आने में बहुत समय लगता है, लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण क्या बताता है कि पहले यहां पर जीव रहते थे, लेकिन बाढ़ के कारण मर गए सारे जीव, या भूकंप आ गया मर गए सारे जीव, या कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई, महामारी आ गई, सारे जीव मर गए, तो उनके मरने के कारण कार्बनिक पदार्थ वहां पर हैं ज्यादा, मृदा बनी है, तब तो वो रहते थे, तो वो स्थान पर मृदा वगैरह सारी चीजें बनी हुई हैं, तो वहां पर जीवों को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिलती है। तो द्वितीयक अनुक्रमण इनकी अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तो प्राथमिक अनुक्रमण कहां होता है? वहां जहां पहले से कोई भी जीव उपस्थित नहीं होते, जैसे नग्न चट्टानीय क्षेत्र, लावा, जैसे ज्वालामुखी जब फटती है, तो ज्वालामुखी जब फटने के दौरान उससे जो गर्म लावा निकलता है ना, तो वो लावा अपने आसपास के कई किलोमीटर दूर तक फैलता है, और इतना गर्म होता है कि उसकी चपेट में आने से चाहे वो बरगद का पेड़ हो और चाहे कोई शेर हाथी हो, सब हम नष्ट हो जाते हैं, सब मर जाते हैं। तो लावा जब फटता है तो कई किलोमीटर के रेंज में सारे जीवों को नष्ट कर देता है। तो अब उस स्थान पर लावा के ठंडा होने में भी कई सौ वर्ष लगते हैं, तो उसके लावा के कारण वहां पर कोई मृदा तो है नहीं, लावा ही लावा है, अब धीरे धीरे वहां से लावा से मृदा बनेगी, मृदा से छोटे छोटे पौधे बनेंगे, उसके बाद वो चरम स्थाई प्राप्त करेगा, तो इसमें भी बहुत समय लगता है। तो ठंडा लावा नग्न चट्टान प्राथमिक अनुक्रमण का ही उदाहरण है। नव विकसित तालाब, जलाशय, यह भी प्राथमिक अनुक्रमण के उदाहरण होते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण के उदाहरण क्या हैं? यहां पहले से मौजूद समुदाय नष्ट हो गए हों किसी भी कारण से, जैसे जंगल में आग लगने की वजह से, बाढ़ आने से, भूकंप आने से, खेतों की कटाई, भयंकर सूखा आदि के चलते नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ पहले से मौजूद होते हैं, क्योंकि पहले वहां पर जीव रहते थे, उनके मृत होने पर उनका कार्बनिक पदार्थ वहां पर मौजूद हुआ, पहले से मौजूद वहां पर बीज हैं, पौधों की जातियां हैं, तथा बाहर से नई जातियां आकर अनुकूल वातावरण मिलने पर नए समुदाय का निर्माण करते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण में प्रजाति का आक्रमण, मृदा की स्थिति, जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज या अन्य उपस्थिति प्रवर्द पर निर्भर करती है। अगर पहले से मृदा वहां पर विद्यमान है, मिट्टी वहां पर है, तो अनुक्रमण दर बहुत तेजी से होता है, चरम अवस्था तेजी से प्राप्त हो जाती है। अब यहां पर हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं प्राथमिक अनुक्रमण का। ये चट्टानी एरिया है, नग्न चट्टानी एरिया, बेयर रॉक, नग्न चट्टानी एरिया, जहां पर कोई जीव नहीं रहते थे, कोई भी जीव नहीं रहते हैं।
अब धीरे धीरे सबसे पहला यहां पर जो समुदाय आता है, सबसे पहला समुदाय वो है लाइकेन। अब लाइकेन में भी कई टाइप के होते हैं, आगे आपको बताएंगे। देखिए लाइकेन आएंगे तो लाइकेन इन पर वृद्धि करते हैं। लाइकेन बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे एसिड का स्राव करते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड का स्राव करते हैं। इनके मृत अवशेष जो होते हैं, लाइकेन के जो मृत अवशेष होते हैं, वो ह्यूमस और ह्यूमिक अम्ल स्राव करते हैं। तो उनसे इन चट्टानों पर दरार पड़ती है, चट्टानों पर दरार पड़ती है, चट्टान टूटते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है और मृदा धीरे धीरे यहाँ पर उपस्थित होती है। जब मृदा आया, अब वहाँ पर पौधे उगना शुरू करेंगे, क्योंकि पौधे चट्टानों पर नहीं उग पाएंगे। कहाँ उगेंगे? मृदा में। तो जब धीरे धीरे मिट्टी आती है, तो अब आप सोचोगे कि ये पौधे आते कहाँ से, भगवान दे देते हैं क्या, या ऊपर से बरसते हैं? नहीं, आपको पता है कि पौधे, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजाणु की संरचना का निर्माण होता है। वो बीजाणु हवा के माध्यम से या अन्य जीवों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इन स्थानों पर पहुंचते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे पौधे उगना शुरू करते हैं। स्मॉल एनुअल प्लांट्स, लाइकेन्स, ये सब यानी छोटे वार्षिक पौधे उगना शुरू करते हैं, एक वर्ष में जो फल फूल देकर ख़त्म हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पर घास उगना शुरू करते हैं, पेरिनियल प्लांट्स उगना शुरू करते हैं। अब ये भी धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होता है। देखिए ये कहलाते हैं पाइनियर स्पीसीज, यानी अग्रगामी समुदाय, अग्रगामी समुदाय, जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो इसी का। नग्न चट्टानी में सबसे पहला अग्रगामी समुदाय कौन होता है? लाइकेन, इसका आंसर रखिएगा। और इनके बाद पौधे, छोटे पौधे, फिर पेरिनियल पौधे, फिर उसके बाद साक, झाड़ियां, ये सब उगते हैं। और ये सभी धीरे धीरे प्रतिस्थापित भी होते जाते हैं, नष्ट भी होते जाते हैं। इन्हें इंटरमीडिएट स्पीसीज कहते हैं, बीच के स्पीसीज, कि ये सब धीरे 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 नष्ट होंगे, आएंगे और जाएंगे, खत्म। और उसके बाद बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पौधे उगाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते उस स्थान पर, अपना जड़ बना लेते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लियर है बात? तो कभी यह स्थान चट्टानों से घिरा हुआ था, आज वो स्थान परिवर्तित हो गया जंगल में। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण, कि धीरे धीरे कई सौ वर्षों में किसी स्थान विशेष का किसी अन्य स्थान विशेष में परिवर्तित हो जाना ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। तीन चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है, हर अनुक्रमण में अग्रगामी समुदाय कौन होते हैं, क्रम की समुदाय कौन होते हैं, और चरम समुदाय कौन होते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो अग्रगामी समुदाय के बारे में पूछा जाता है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि नग्न चट्टानी एरिया में अग्रगामी समुदाय कौन होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, जलाशय क्षेत्रों में अनुक्रमण में अग्रगामी समुदाय कौन होता है, आंसर बताइएगा। प्राथमिक अनुक्रमण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण में पहले से कोई जीव उपस्थित नहीं होते, तो उनको मृदा वगैरह नहीं मिलती, तो मृदा के बनने में, वहां पर पोषक तत्वों के आने में, कार्बनिक पदार्थों के आने में बहुत समय लगता है। इसलिए प्राथमिक अनुक्रमण बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, और चरमावस्था तक पहुंचने में शायद हजारों वर्ष लगाए। सभी अनुक्रमण, चाहे वो पानी में हो चाहे भूमि पर हो, एक ही प्रकार के समोदिक कंडीशन में जाते हैं, मेजिक कंडीशन में जाते हैं। ये क्या होता है समोदिक? समोदिक का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर ना तो बहुत ज्यादा जल है, यानी वो ना तो बहुत जलीय क्षेत्र है, और ना तो वो पूरी तरीके से शुष्क है। जैसे घास स्थल है, जंगल है, इन सभी में ना तो पानी की बहुत कमी होती है और ना तो बहुत ज्यादा ही पानी होती है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं समोदिक, मेजिक कंडीशन, जो समान अवस्था में, कि सब कुछ समान है, अवस्था बहुत अनुकूल है जीवों के रहने में, पौधों के रहने में, तो वो समोदिक अवस्था कहलाती है। अब चाहे कोई जलीय स्रोत हो, जैसे कोई तालाब है, तो तालाब है, जलीय क्षेत्र है, तो उसमें भी जब अनुक्रमण होता है तो वो समोदिक में ही परिवर्तित होता है, तालाब स्थल में ही परिवर्तित होता है, एक ऐसा स्थल जहां पर ना तो जल की कमी है ना तो बहुत ज्यादा जल है। चाहे कोई अन्य भूमि हो जहां पर कभी भी
जहां पर कभी भी कोई मतलब पानी की मात्रा बहुत कम थी, शुष्क आवास, तो वो भी धीरे धीरे ऐसे स्थान में समुदिक अवस्था में ही परिवर्तित हो जाती है, जहां पर ना तो बहुत ज्यादा जल है ना तो बहुत कम जल है, जहां पर जीव अनुकूल रूप से रह सकने में सक्षम होते हैं। किसी भी समय प्राथमिक तथा द्वितीयक अनुक्रमण को प्राकृतिक अथवा मानव जनित विघ्न बाधाओं द्वारा क्रमक अवस्था को प्राथमिक अवस्था में बदला जा सकता है। अब इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। कोई भी क्रमक अवस्था है, यानी कोई भी, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा झील था, धीरे धीरे झील सूख रहा है, जंगल में परिवर्तित होना चाह रहा है, और एक समुदाय में वो गठन भी हो गया, वहां पर पौधे वौधे उगना शुरू कर दिए, लेकिन अभी चरम अवस्था में नहीं था। मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य के चुल्ल पड़ी, जाके वहां पर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, तो वहां के जितने भी समुदाय जो अभी गठित हुए थे सारे के सारे नष्ट हो गए, और वो फिर से किस में परिवर्तित हो गया, एक खाली स्थान में जहां कोई जीव नहीं है, तो प्राथमिक अवस्था में आ जाता है। अब फिर से वहां पर धीरे 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 बदलाव आएगा, छोटे घास उगेंगे, फिर धीरे धीरे छोटे पौधे होंगे, फिर बड़े पौधे उगेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी अनुक्रमण में, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, प्राकृतिक कारणों यानी बाढ़ सूखा इन सभी के द्वारा भी उसे प्राथमिक अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, या किसी मानव जनित विघ्न द्वारा उसे प्राथमिक अवस्था में यानी जैसा वो था वैसे ही उसे बदला जा सकता है। इन बाधाओं से ऐसी नई स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनसे नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य जातियां हतोत्साहित होती हैं अथवा निष्कासित हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं से नई जातियों को वहां पर आवास करने में अवसर मिलता है। यह है आपका द्वितीयक अनुक्रमण का उदाहरण। द्वितीयक अनुक्रमण में दिखाया गया है कि एक जंगल था पहले, उसमें जंगल में आग लग गई, आग लगने से वहां के सारे समुदाय, सारे पौधे, सारे जीव नष्ट हो गए। एक दो साल बाद वहां पर देखा गया धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उगे, फिर 3-4 साल में देखा गया कि और छोटे बड़े पौधे उगे, फिर उसके बाद 500 से 150 साल तक देखा गया कि उसमें और बड़े बड़े पौधे विकसित हुए, और फिर देखा गया 150 साल बाद उसमें मैच्योर पौधे, पूरी तरीके से परिपक्व पौधे, यानी जंगल का वो स्थान फिर से ले लिया। तो इसी को कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण, लेकिन ये द्वितीयक पारिस्थितिक अनुक्रमण है। द्वितीयक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से जीव रहते थे लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण यानी आग लगने की वजह से वो नष्ट होने के बाद फिर से वह जंगल में परिवर्तित हो गया, यह कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। और पारिस्थितिक अनुक्रमण में फिर वही तीन चीज़ें, पायोनियर स्पीसीज आएंगे, यानी इस स्थान पर जो पहला जीव जो आते हैं उन्हें पायोनियर स्पीसीज कहते हैं, फिर बीच के जो जीव जो आते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं उन्हें इंटरमीडिएट यानी सीरल कम्युनिटी कहते हैं, उसके बाद वे जो चरम अवस्था पर आकर वहां पर स्थायी बना लेते हैं आवास, उसे कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी चरम समुदाय। पारिस्थितिक अनुक्रमण में समुदायों के प्रकार मैंने अभी बताया तीन होते हैं, नवीन समुदाय या अग्रगामी समुदाय, पायोनियर स्पीसीज जो किसी आवास में, ऐसे आवास में जहां पर कोई भी जीव नहीं रहते थे वहां पर जो सबसे पहले आते हैं, यानी प्रथम समुदाय जो खाली एवं नग्न क्षेत्रों में सर्वप्रथम प्रवेश करती है उन्हें नवीन समुदाय कहते हैं। जैसे जलीय प्रदेशों में पादप प्लवक और नग्न चट्टानी एरियों में लाइकेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है नीट में कि बताइए नग्न चट्टानी एरिया में प्रथम समुदाय नवीन समुदाय के रूप में या अग्रगामी समुदाय के रूप में कौन आता है, लाइकेन आते हैं। जलीय प्रदेश में अग्रगामी समुदाय के रूप में कौन आता है, पादप प्लवक आते हैं। दूसरा मैंने बताया क्रमकी समुदाय, यानी वो जो आए 2-4 साल रहे फूले फले उसका नष्ट भी हो गए, बदलते वातावरण में वे वहां पर नहीं रह पाते हैं, उन्हें हम क्रमकी समुदाय कहते हैं या संक्रमण समुदाय, सीरियल या ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहते हैं। किसी भी अनुक्रम में नवीन समुदाय का स्थान लेने वाले समुदाय क्रमकी समुदाय की श्रेणी के अंतर्गत। ये अल्पकालिक समुदाय हैं जो पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होकर स्थानांतरित होते रहते हैं और धीरे धीरे मृदा का निर्माण करते हैं। इनका भी आना जरूरी है, क्योंकि जैसे लाइकेन था, अब लाइकेन ने क्या किया, मृदा का निर्माण किया, धीरे धीरे वहां मृदा बहुत बनी, तो अब लाइकेन भागना पड़ेगा क्योंकि उनके जगह मृदा आ गई है, तो मृदा में शैवाल उगेंगे और छोटे पौधे उगेंगे, मांस फर्न ये सब उगेंगे, तो वो लाइकेन को प्रतिस्थापित कर देती है, भगा देती है। अब धीरे धीरे ये पौधे उगे, अब जब ये 2-4 साल ये फूलते फलते हैं, इनके मरने से वहाँ की दशाएं बदलती हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, वर्षा होती है और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, वहाँ के भौतिक पर्यावरण
परिवर्तित होती हैं, तब वो खुद उस स्थान पर रहने के योग्य नहीं रह पाती। अब उनसे बड़े जीव आकर रहते हैं, उनसे बड़े वृक्ष आकर वहाँ पर उसका स्थान ले लेते हैं, तो वो कर्म की समुदाय होती हैं जो आई और फिर चली भी गई। उनके बाद जो आता है बड़े बड़े पौधे वृक्ष जो वहाँ पर पूरी तरीके से स्थायी रूप में उगते हैं, और उनके बाद कोई और समुदाय नहीं आता, उन्हें हम चरम समुदाय कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, यानी जंगल का पूरी तरीके से बन जाना कहलाता है। यह कर्म की समुदाय के बाद स्थापित होने वाला अस्थाई व सतत जन्म करने वाला जैविक समुदाय है। इसमें प्रदेश की जलवायु के साथ पूर्ण साम्यता मिलती है। चरम समुदाय में समुदाय की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। अनुक्रमण जलाशय से प्रारंभ हुआ हो चाहे नग्न चट्टान से प्रारंभ हुआ हो, दोनों ही प्रकार के चरण में चरम समुदाय वन ही होता है, जंगल ही बनता है। तो ये तो मैंने शुरू में बताया था आपको, चाहे वो नग्न चट्टानी एरिया हो, हजारों साल बाद वो जंगल में परिवर्तित होगा। यदि कोई झील है, कोई नदी है, कोई जलाशय है, तालाब है, वह भी धीरे धीरे जंगल में ही परिवर्तित होता है, वन में ही परिवर्तित होता है। आइए देखते हैं अनुक्रमण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। सबसे पहला आता है न्यूडेशन यानी नग्नीकरण। ये भी आपका नीट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूडेशन क्या होता है? तो कोई स्थान है, पहले उसे खाली होना पड़ेगा। खाली कैसे होना पड़ेगा, यानी जितने भी जीव वहाँ पर रह रहे हैं उनको पहले नष्ट होना पड़ेगा। जब नष्ट हो जाएंगे वो जीव, तभी उसमें पारिस्थितिक अनुक्रमण शुरू होगा। समुदाय आएंगे, नए नवीन समुदाय, फिर क्रम की, फिर चरम समुदाय। ये द्वितीय अनुक्रमण की बात की जाती है। तो पहले से अगर कोई समुदाय वहाँ पर रह रहा है, तो वहाँ पर कोई महामारी आए, कोई विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग वहाँ पर फैले, जिससे सारे के सारे समुदाय वहाँ पर नष्ट हो जाए, तो इसी को कहते हैं नग्नीकरण यानी न्यूडेशन। नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को नग्नीकरण कहते हैं। कवक, जीवाणु अथवा विषाणु जनित विनाशकारी महामारी भी अमुक स्थान को खाली कराने में योगदान करती है। ये मेनली मुझे लगता है द्वितीय अनुक्रमण के लिए ही कहा गया है। प्राथमिक अनुक्रमण में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण में तो पहले से कोई जीव उपस्थित ही नहीं होता है, तो उन्हें मारने के लिए नग्नीकरण की जरूरत होगी ही नहीं। तो ये द्वितीय अनुक्रमण के लिए ही बोला गया है। अब नग्नीकरण होने के बाद जब वो पूरा स्थान पूरी तरीके से साफ हो गया, कोई जीव नहीं है, तब वहां पर आक्रमण होता है बाहरी जाति के जीवों का। बाहरी जाति के जीव वहां पर आते हैं बीजाणु के माध्यम से और अन्य माध्यम से, बीजों के माध्यम से वहां पर आते हैं, वहां पर उगते हैं बाहरी क्षेत्र के जीव, उसे हम कहते हैं आक्रमण यानी इन्वेजन। बाहरी क्षेत्र से विभिन्न जातियों द्वारा अनुक्रमण क्षेत्र में आकर स्थापित होना आक्रमण कहलाता है। इस प्रक्रिया में अन्य क्षेत्रों से विभिन्न जाति के बीज, बीजाणु, फल आदि प्रक्रीड़न व प्रवशन द्वारा नए क्षेत्र में आकर स्थापित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को आस्थापन या स्टेसिस भी कहते हैं। नई जाति द्वारा नए वातावरण में स्थापित होना उसकी जनन क्षमता पर निर्भर करता है कि कितना वो जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा सकती हैं। सफल जनन के फलस्वरूप उस संजाति की संख्या में लगातार वृद्धि होती है, और इसे एकत्रीकरण यानी एग्रीगेशन भी कहते हैं। अब जब उस समुदाय का स्थापना हो गया, बाहरी संख्या में उसने जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा ली, तो उन जीवों के मध्य व उन जीवों के अलग जो भी जीव हैं उनके मध्य स्पर्धा कंपटीशन होगा, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है, तो आवास के लिए, संसाधनों के लिए उनमें स्पर्धा होगा। तो वे जीव जो ज़्यादा क्षमतावान होंगे, जो अन्य जीवों को स्पर्धा में हरा देंगे, वही सर्वाइव करेंगे, और जो हार जाते हैं वो वहाँ से नष्ट हो जाते हैं। ये कहलाती है स्पर्धा। एकत्रीकरण के फलस्वरूप समुदाय के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ उस क्षेत्र में संसाधनों की कमी पड़ने लगती है। अब उसी संसाधन के लिए दो जीवों में या उन्हीं जीवों में क्या होता है, स्पर्धा होता है। उनमें वही जीव जी पाते हैं संघर्ष करने में जो सक्षम होते हैं, वही अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं, बाकी शेष लुप्त हो जाते हैं। अब जिसने संघर्ष करके अपनी संख्या बनाई है, अब वो वातावरण की दशाओं में परिवर्तन लाती है। उसके मृत होने पर उस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, और स्पर्धा में सफल जातियों द्वारा वातावरण को परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। पर्यावरण में निरंतर जल, मृदा, ताप आदि कारकों में परिवर्तन होते हैं,
जिसके फलस्वरूप उस वातावरण में से इन जातियों की संख्या में तेजी से कमी आने लगती है और नए सिरे से नए समुदाय के सदस्यों का आक्रमण शुरू हो जाता है। यानी एक ऐसी जाति जो अभी फल फूल रही थी, वातावरण में परिवर्तन हुआ, वे उसमें सर्वाइव नहीं कर पाई और वे नष्ट हो जाती हैं। अब उनके स्थान पर कोई अन्य समुदाय आकर वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ाएगा तो सदस्यों का आक्रमण शुरू हो जाता है, अन्य समुदाय के सदस्यों का आक्रमण शुरू हो जाता है। इस प्रकार कर्मकी समुदायों का विकास होता है। अब धीरे धीरे दशाओं को बदलते समय अलग अलग प्रकार के कर्मकी समुदाय आते हैं, पहले मांस, फिर फर्न, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा ऐसे आते हैं और वे नष्ट होते चले जाते हैं। नए समुदाय प्रारंभ में छोटे आकार के होते हैं और इनकी वातावरण से अपेक्षाएं भी कम होती हैं, अतः ये आसानी से विकसित हो सकते हैं। और जब एक ऐसे समुदाय का आगमन हो जाता है इनके बाद, जिसके बाद किसी अन्य समुदाय को नहीं आना है, वे अस्थाई रूप से उस स्थान पर पकड़ बना लेते हैं। जैसे वन में जितने भी बड़े बड़े पौधे, छोटे छोटे पौधे हैं, जो अब वहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, वे नष्ट नहीं होंगे कभी, तो उसे हम कहते हैं चरम समुदाय। अनुक्रमण की प्रक्रिया में यह अंतिम अवस्था है जिसे चरम समुदाय कहते हैं। चरम अवस्था में समुदाय और पर्यावरण में आपसी सामंजस्य स्थापित हो जाता है, यानी वो बदलते वातावरण को झेल सकने में सक्षम होती हैं और वही उस स्थान पर वृद्धि करती हैं। अब इस अवस्था को स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले न्यूडेशन होता है जिसमें उस जगह को खाली कराया जाता है, फिर इन्वेजन आक्रमण होता है, कोई बाहरी जाति उसमें प्रवेश करती है, फिर वो वृद्धि करती हैं, उनमें आपस में कंपटीशन होता है, वही सरवाइव कर पाती हैं जो उस जगह पर रहने योग्य होती हैं, सक्षम होती हैं, और फिर उनमें उनके कारण उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है जिससे बहुत ही परिवर्तन होता है और वे उस स्थान पर रह सकने में सक्षम नहीं हो पाती। फिर उनको प्रतिस्थापित करती हैं नई जातियाँ, वो नई जातियाँ उस बदलते वातावरण में रहने के योग्य होती हैं और स्टेबलाइज्ड हो जाती हैं, चरम समुदाय बनाती हैं, वन में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, बस अब इसके बाद आता है आपका पादपों का अनुक्रमण, पौधों का अनुक्रमण, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। हम यहां पर जंतुओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ प्लांट के सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पौधों का सक्सेशन यानी किसी स्थान पर जहां पर जीव नहीं रहते थे वहां पर धीरे धीरे पौधों का विकास होना और एक ऐसा समुदाय गठित होना कि जिसके बाद अन्य कोई समुदाय नहीं आएगा, वन में वो स्थापित हो जाते हैं, उन्हें हम चरम समुदाय कहते हैं। तो पादपों का यह अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, एक तो जलीय प्रदेश से जो शुरू होते हैं उन्हें हम जलीय अनुक्रमण कहेंगे, जलक्रमक, जिसे हाइड्रार्क कहते हैं इंग्लिश में, जलक्रमक यानी हाइड्रार्क, यानी वो अनुक्रमण जो जल से शुरू होता है। जैसे कहीं तालाब था, तालाब में धीरे 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 पादप प्लवक उगते हैं, पादप प्लवक को खाने वाले अमीबा पैरामिशियम युगलिना आते हैं, उनको खाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उगते हैं। तो यहाँ पर जंतुओं की तो बात करेंगे नहीं, हम पौधों की बात करेंगे। तो पादप प्लवक आते हैं, पादप प्लवकों के बाद धीरे धीरे वहाँ पर जड़ युक्त निमग्न पौधे आते हैं जो उस जलाशय क्षेत्र में तालाब में पानी के अंदर उगते हैं। फिर उनके स्थान पर धीरे धीरे वे पौधे आते हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं। फिर उसके बाद वे पौधे आते हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और सतह पर तैरते हैं। इन पौधों के लगातार आते रहने से, उनमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होते रहने से जलाशय में जल की कमी होती जाती है और उनके मृत होने पर, उन पौधों के मृत होने पर तल में, जलाशय के तल में मृदा का निर्माण होता जाता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता जाता है, जिससे जलाशय का जल भी घट रहा है और नीचे तल भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे वहाँ का जलाशय पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जलीय प्रदेश खत्म हो जाता है और वहाँ पर स्थल परिवर्तित हो जाता है जहाँ पर पौधे उगाते हैं। तो ये कहलाता है जलकर्मक यानी हाइड्रार्क। मरुकर्मक यानी जिराक, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जल है ही नहीं, बहुत शुष्क स्थान है जहाँ पर जल की कमी है और वहाँ पर धीरे 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 पहले लाइकेन आते हैं, फिर लाइकेन की भी कई अवस्थाएँ आती हैं, फिर वहाँ पर छोटे पौधे आते हैं, मांस, फर्न, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी आते हैं और एक चरम अवस्था स्थापित हो जाती है, जंगल में परिवर्तित हो जाती है, इसे हम मरुकर्मक कहते हैं। चाहे जलकर्मक हो चाहे मरुकर्मक हो, सभी एक ही कंडीशन में परिवर्तित होते हैं। कौन से कंडीशन में? समोदिक में। समोदिक मतलब एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर ना तो ज़्यादा जल है और ना तो ज़्यादा कम है जल, मेजिक कंडीशन में आ जाते हैं। देखिए, जलकर्मक जलीय क्षेत्रों जैसे तालाबों, झीलों, झरनों आदि में होने वाले अनुक्रमण को जलकर्मक कहते हैं। जलकर्मक जलमग्न क्षेत्रों
में होता है और अनुक्रमणीय श्रेणी हाइड्रिक से, देखिए हाइड्रिक से यानी जलीय क्षेत्र से समोदिक परिस्थिति यानी मेजिक कंडीशन की ओर अग्रसित होती है जंगल की तरफ। मरुक्रमक देखिए जिरार्क और जीरोसियर इसे कहते हैं, शुष्क स्थानों पर जहां जल की काफी कमी होती है में होने वाले अनुक्रमण को शुष्क प्रदेशीय अनुक्रमक कहते हैं। यह शुष्कता से समोदिक परिस्थिति की ओर बढ़ता है यानी जहां पर जल की बहुत कमी है शुष्क स्थान है और धीरे धीरे वो समोदिक कंडीशन में परिवर्तित हो जाता है यानी ना तो ज़्यादा कम जल ना तो ज़्यादा जल यानी यह भी जंगल में वन में प्रतिस्थापित हो जाता है। अतः जल क्रमक हो चाहे मरुक्रमक हो दोनों ही अनुक्रमण मध्यम जल परिस्थिति यानी समोदिक कंडीशन मेजिक कंडीशन की ओर अग्रसित होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका नीट में बन सकता है कि बताइए जलीय क्षेत्र अंततः या जल क्रमक अंततः किस समुदाय की ओर अग्रसित होता है, तो क्या बताएंगे समोदिक की ओर मेजिक कंडीशन की ओर। अगर आपसे कोई पूछे कि नीट में ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मरुक्रमक अवस्था पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो क्या बताएंगे समोदिक अवस्था में। समोदिक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ना तो बहुत ज्यादा शुष्कता होती है यानी ना तो बहुत ज्यादा जल की कमी है और ना ही बहुत ज्यादा जलीय अवस्था है। जल क्रमक का उदाहरण देखिए तालाब में होने वाला अनुक्रमण। तो आज के लिए बस इतना ही रोक देते हैं, तालाब का अनुक्रमण और नग्न चट्टान का अनुक्रमण इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अभी आपने ये समझा कि पारिस्थितिक अनुक्रमण होता क्या है, एक स्थान विशेष का किसी अन्य स्थान विशेष में परिवर्तित हो जाना पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। और आपको दो पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में पढ़ना है, एक जल क्रमक के बारे में एक मरुक्रमक के बारे में। आपने ये जाना कि पारिस्थितिक अनुक्रमण में उसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या होते हैं, इन्वेजन होता है, सॉरी पहले न्यूडेशन फिर इन्वेजन फिर रिएक्शन और उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी का स्थापन होता है, चरम समुदाय बनती हैं। आपने जाना कि किसी पारिस्थितिक अनुक्रमण में कितने समुदाय होते हैं, तो आपने तीन समुदायों के बारे में जाना। पहला आता है अग्रगामी समुदाय जो उस स्थान पर पहले आता है, फिर आपने जाना कि क्रमिक समुदाय आते हैं जो समुदाय आते हैं और चले भी जाते हैं, और उसके बाद आपने जाना क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी चरम समुदाय जिसके आने के बाद किसी अन्य समुदाय के आने का पॉसिबल नहीं है, वो स्थिर हो जाते हैं जंगल में परिवर्तित हो जाता है वो क्षेत्र। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया है, आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी आपको बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी नीट की दृष्टि से, उनका आंसर आप जरूर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कि पारिस्थितिक अनुक्रमण वो चाहे जलीय पारिस्थितिक हो यानी जल क्रमक हो या मरुक्रमक हो किस समुदाय या किस अवस्था की ओर अग्रसित होती हैं। दूसरा क्वेश्चन जलीय प्रदेशों में अग्रगामी समुदाय कौन होता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन चट्टानीय क्षेत्र या नग्न चट्टानीय क्षेत्र में अग्रगामी समुदाय कौन होता है। नेक्स्ट नग्नीकरण या न्यूडेशन की प्रक्रिया क्या होती है। बस इतने क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, अपनी कॉपी में भी नोट करना है। आगे जो भी टॉपिक होगा उसके लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बालाजी के साथ। धन्यवाद।